16 फरवरी को संजय राउत किरीट सुमैया जी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अनेक आरोप लगाते हैं। 17 फरवरी को जब मीडिया संजय राउत से सवाल पूछती है तो बोलते हैं कौन है किरीट सुमैया और मुझसे उनके बारे में कभी भी प्रश्न नहीं पूछने का। 18 तारीख को संजय राउत ट्वीट करके किरीट सुमैया जी पे फिर आरोप लगाते हैं। 19 तारीख को जब सुबह पूछा जाता है कि वो आरोपों का जवाब जब किरीट सुमैया जी देते हैं तो संजय राउत जी अशब्द बोलते हैं किरीट जी के बारे में और बोलते हैं कि मीडिया को धमकाते हैं कि मुझे किरीट जी के बारे में सवाल नहीं पूछने का। 20 तारीख को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अनेक अशब्द बोलते हैं किरीट जी के बारे में, फिर वो ट्वीट करते हैं किरीट सुमैया जी के बारे में। शाम को बोलते हैं नो क्वेश्चन आंसर, कभी भी किरीट सुमैया जी के बारे में पूछना नहीं, और पत्रकार ने जब पूछा तो उनको उंगली देकर धमकी दी जाती है। 21 तारीख को फिर सुबह सुबह 7:30 बजे किरीट सुमैया जी के ऊपर आरोप लगाते हैं और ट्वीट करते हैं। तो मुझे लगता है कि संजय राउत जी के स्वप्न में अभी किरीट भाई आते हैं और किरीट भाई ने संजय राउत की नींद उड़ा दी है। जिस हिसाब से एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं, संजय राउत जी हर्बल वनस्पति और बारामती का वनस्पति और हर्बल टबैको पी के उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये डर अच्छा है, किरीट भाई का डर संजय राउत को बहुत अच्छा है। और मेरा ऐसा मानना है, आगे आगे समय देखिए होता है क्या। धन्यवाद।